लखनऊ के थप्पड़ कांड के बाद अब दो महिलाओं ने पुलिस पर चलाए लात घूंसे। पूरा सच जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दिल्ली के पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के पास एक महिला ने कोरोना वायरस के नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने वाली टीम से हाथापाई की। पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर मारपीट करने वाली दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला इस वीडियो का। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें जिससे लोग गलती करने से पहले हजार बार सोचे। वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया कि पंजाबी बाग एसडीएम कार्यालय में कार्यरत आनंद ने 6 अगस्त को शिकायत की थी कि वह एक अन्य शिक्षक अजमेर सिंह एवं एक नागरिक रक्षा कर्मचारी के साथ कोविड ड्यूटी पर पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के पास तैनात थे और जब उन्होंने एक महिला को मास्क न पहनने पर रोका और चालान का भुगतान करने को कहा तो उसने अपनी नियोक्ता को बुलाया और टीम पर हमला कर दिया। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे हमें कमेंट में बताएं। बता दें कि पुलिस उपायुक्त परविंदर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता और महामारी एवं आपदा प्रबंधन कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में मास्क न पहनने पर 2,000 रुपए का जुर्माना देना होता है। इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि नियम का उल्लंघन करने के बारे में कोई ना सोचे। आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।